हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना आटा, सूजी, बेसन, चावल के एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, जो सिर्फ 10 मिनट में एक चम्मच तेल में बन जाएगा। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। एक कप पीली वाली मूंग दाल को 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और इसमें पानी डाल के 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और दाल अभी एकदम अच्छे से भीग गई है। उसी तरह से आधा कप साबूदाना को भी 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और पानी डाल के इसे भिगो के रखा था। साबूदाना डूब जाए उतना ही मैंने पानी डाला था। मूंग दाल में से थोड़ा पानी निकाल लेते हैं। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। साबूदाना को भी साथ में डाल देंगे। इसे एकदम फाइन ग्राइंड कर लेते हैं। आधा कप पानी डाल के एकदम फाइन ग्राइंड कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। 1/4 कप जितना पानी है ये डाल देंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंट के मिक्स करना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बैटर को हम अभी और थोड़ा पतला करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है और थोड़ा पानी डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून जितना। इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें रखना है। आप देख सकते हैं बैटर एकदम आसानी से नीचे गिर रहा है। मीडियम पतला बैटर बनाएंगे और बैटर को इस तरह से थोड़ा फैट लेंगे। आप देख सकते हैं साइड में बबल्स हो रहे हैं। इस तरह से बैटर में बबल्स होना चाहिए। हमने इसमें सोडा या इनो कुछ भी नहीं मिलाया है, फिर भी आप देख सकते हैं बबल्स हो रहे हैं। नॉनस्टिक तवा गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। बैटर डालेंगे। बहुत ज्यादा इसे फैलाना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। जिस तरह से हम उत्तप्पा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ करी पत्ता और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साइड में तेल डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने धीमी ही रखी है। ऊपर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे थोड़ा सा दबा देंगे अंदर। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बन के रेडी हो जाता है और मूंग दाल है तो ये हेल्दी भी बहुत है। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे, नीचे से थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। 2 मिनट ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। नीचे से ये लाइट ब्राउन हो जाए तभी हमें इसे पलट लेना है। पलट लेंगे। इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाए तभी हमें इसे पलट लेना है। हमने इसमें सोडा या इनो कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं नाश्ता एकदम जालीदार बना है। जिस तरह से डोसा का बैटर से हम उत्तपा बनाते हैं उसी तरह से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर आया है। दूसरी साइड पे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए दूसरी साइड पे भी कुक किया है, पलट लेंगे। ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से बाकी का नाश्ता भी बना लेते हैं। इसी बैटर में से हम डोसा भी बना सकते हैं, तो मैं आपको एक डोसा बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। ये क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ गया है। थोड़ा सा नीचे की साइड से भी कुक कर लेते हैं। ये हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आप डोसा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू में आपको मैं एक बात बताना भूल गई कि आपको अगर ये नाश्ता सुबह में बनाना है तो आप रात को मूंग दाल और साबूदाना को भिगो के रख देंगे तो सुबह में ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। मैंने इसे साउथ इंडियन रेड चटनी के साथ सर्व किया है। रेड चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।
आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।